सो हाय फूडीज, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। वैसे आज का वीडियो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ स्पेशल है। आज मैं सुबह 5 बजे उठ गया और आज मेरे को बाहर जाने का मन था और कुछ खाने का मन था, तो सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए एक ब्रेकफास्ट वीडियो बनाऊँ। तो चलिए अब मैं जाता हूँ, खोजता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें एंड कम लेट्स ईट। ये देखिए गाइस, ये है AGC बोस रोड का फ्लाईओवर और ये है देखिए वैल्यू वाला रास्ता, ये सीधा। तो वहाँ का लोकल फूड ट्राई करेंगे। तो देखिए अगर हम आगे जाते कुछ अच्छा फूड हम लोगों को दिखता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, फूड की तलाश में हम लोग निकले हैं, तो जैसे फूड मिलता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस देखिए, ये शरद बोस रोड में चलते चलते मैं आ गया हूँ द फ्रेंच लूफ में, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने लिया है एक नॉन वेज पफ पिज़्ज़ा एंड 2 पीस पफ। वैसे ये वेज है और ये है नॉन वेज। इसका कॉस्ट मेरे को पड़ा 60, इसका कॉस्ट मेरे को पड़ा 45। और ये 2 नॉन वेज पफ। और ये देखिए कुछ ऐसा है इसका एम्बियंस, ये देखिए इतना सारा अपडेट है। सो गाइस देखिए, इतना ही सामान का मेरा 289 हो गया है। मैं ऑर्डर दे दिया हूँ, देखिए कितना जल्दी मेरा ऑर्डर आता है। जैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। चल मिलता गाइस। सो गाइस देखिए, ये है मेरा बिल। वैसे मैं 2 और एक्स्ट्रा लिया था पफ, तो उसका इसमें ऐड नहीं है। ये देखिए मैंने लिया था, मैं टोटल बिल हुआ था 179, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब चलिए आता है मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फूड। तो गाइस फाइनली गाइस ये मेरा आ गया है, ये मेरे को मिला कुछ सॉसेस और ये देखिए ये मेरा नॉन वेज और ये है वेज। सो गाइस अंदर खाने का तो अभी बंद है, तो चलिए मैं इसे अब सीधा कार में बैठ के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ गाइस। गाड़ी में बैठी के आराम से खाने का है गाइस, बाहर में अभी खाने का है नहीं। देखिए तो गाइस देखिए, सामान ज़्यादा नहीं है बट ये देखिए कितना बड़ा बड़ा मेरे को डिब्बा में पैकेजिंग करके दिया है। वैसे ये देखिए मिला है कुछ नैपकिन और ये देखिए मिला है कुछ सॉसेजेस। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ ये, पहले ये क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका वेज पफ, ये देखिए, और ये देखिए इसके साथ एक टमाटो केचप भी दिया है। वैसे ये वेज पेटीज पफ जो बोलना चाहे बोल दीजिए। और दिखाता हूँ नेक्स्ट क्या है। और ये देखिए, ये है चिकन पफ और पेटीज, जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। ये देखिए इसे मैं साइड कर दूँ। टन टन टन, ये है आपका सनफ्लावर चिकन पिज्जा। ये देखिए एक को यहाँ पर ऑलिव भी दिखता होगा और सम मेयोनीस है, चीज़ तो बोलने सकते हैं मेयोनीस है। और ये कुछ सनफ्लावर का टेक्सचर पे है। तो चलिए फटाफट इसे मैं खा के बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले ये मैं वेज पफ ट्राई करूंगा। वैसे देखने से ये बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है, इसमें आप लोगों को आराम से देखिए इसका क्रिस्पीनेस दिखता होगा। ये तिल लगा हुआ और साइज भी ठीक है। वैसे इसका कॉस्ट 45 है। तो चलिए इसे मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। सो गाइस देखिए, ये मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। पहली बात देखिए इसका स्टफिंग, देखिए पूरा बीज एकदम खाली है पर ये बहुत ही ज़्यादा कड़ा है गाइस। होना चाहिए था इसे क्रिस्पी एंड सॉगी, बट ये इसका साइड का कॉर्नर पोर्शन बहुत ही टाइट है
तो चलिए एक बाइट और ट्राई करके देखता हूँ, शायद पहला बाइट उसे खराब हो। अंदर गाइस खाली बीन आलू और मटर लग रहा है, वो भी उबाला हुआ, कोई मसाला नहीं है ना कुछ है। गाइस मेरे हिसाब से ये पूरा वर्थलेस है, 10 में से 5 भी दूं तो भी इसके लिए बहुत ज्यादा हो गया, उतना मेरे को टेस्टी नहीं लगा। खाली लग रहा है इसमें बीन है, मटर है और उबला आलू, और कुछ है नहीं गाइस, ना कोई स्पाइसी है, ना कोई टेस्ट है, ना कुछ है। तो चलिए अब मैं आपको नॉनवेज पफ या पिज्ज़ा दोनों में से कुछ भी दिखाता हूँ, तो चलिए फटाफट इसे कम्प्लीट करता हूँ। और ये देखिए गाइस नॉनवेज पफ और पैटिस, वैसे ये बता दूँ ये आपको चिकन है, और ये देखिए एकदम पूरा सॉगी हो चुका है और ये पूरा जम गया है, पता नहीं कैसे ये किया है गाइस। साइज इसका अच्छा और वैसे इसका कॉस्ट पड़ा है मेरे को 55। तो चलिए टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। सो गाइस तो चलिए इसका टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। चिकन का नामो निशान नहीं है, पूरा पूरा पैटिस ही आ रहा है, ये खाली इसका ये डो आ रहा है मुंह में, पूरा पैसा बर्बाद, पूरा पैसा बर्बाद। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। अगेन ट्राई करता हूँ, देखता हूँ शायद कुछ स्टफिंग आ जाए मुंह में। अब आया पूरा पूरा ये मेरे को समोसा लग रहा है। देखिए छोटा सा आपको चिकन पीस दिखता होगा यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए गाइस आपको थोड़ा सा चिकन का पीस दिखता होगा और ये लॉट्स मोर आलू दिखता होगा गाइस। इसका टेस्ट में कुछ खराब खराब लग रहा है गाइस, इसका इसमें से थोड़ा सा अजीब सा स्मेल भी आ रहा है, जैसे कि देखिए ऐसा इसका कुछ स्टफिंग था, चिकन अच्छा था, बट इसमें से थोड़ा सड़ा सड़ा महक आ रहा है गाइस, तो मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे को बहुत अजीब सा इसमें से स्मेल आ रहा है तो मैं ये नहीं खाऊंगा। ये गाइस देखिए सनफ्लावर चिकन पिज्ज़ा, जहाँ जहाँ खा लिए देखिए वहीं आई एम श्योर चिकन होगा और कहीं नहीं होगा। सामने में तो एक ऑलिव और कुछ मेयोनीज का छीटा। ये देखिए गाइस साइज तो इसका अच्छा है, वैसे बता दूँ इसका कॉस्ट मेरे को पड़ा है 70 रुपया। ये देखिए तो चलिए टेस्ट करके बताता हूँ, ये चिकन के साइड से टेस्ट करता हूँ। ये चिकन आधा कच्चा पक्का, ये देखो इतना टाइट, उसका डो भी देखिए कितना टाइट है, और ये देखिए बस खाली डो ही है ऊपर में, पिज्जा का नाम पे ये खाली बस चिकन चिपका दिया गया। ये देखिए गाइस पूरा ब्रेड है, पूरा का पूरा ब्रेड है, जैसे कि आप देख रहे हैं देखिए, और ये देखिए पूरा कच्चा चिकन है गाइस, पूरा कच्चा है देखिए। एक बार ट्राई करता हूँ सॉस के साथ में, देखिए सॉस के साथ ट्राई करता हूँ। मैं पागल था जैसे ले लिया, मेरा पैसा एकदम वेस्ट हो गया, एकदम बर्बाद हो गया, बस मुझे खाने के बाद एक ही चीज याद आ रहा है, ओ भाई मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है। क्यों मैं ऐसा चीज ले लिया, पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो गया गाइस, बहुत ही गंदा सा इसका टेस्ट है, और ये देखिए एकदम पूरा कच्चा कच्चा चिकन है गाइस, तो पूरा वेस्ट हो गया मेरा खाना, पूरा पैसा 200-300 रुपये बर्बाद हो गया गाइस। तो मेरा मानना है आप कभी इससे मत खाइए, स्ट्रीट फूड खा लीजिए वो ज्यादा बेटर होगा, क्या करूँ फेंक नहीं सकता हूँ, तो चलिए फटाफट इसे खा के। अगर आप कुछ स्ट्रीट फूड दिखा खाने लायक या कुछ खुला होगा इतने सुबह तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तब तक के लिए अब ये सब इन्जॉय कीजिए। Few moments later. So guys, चलते चलते अब हम आ गए हैं देखिए श्री श्याम किचन, वैसे ये बहुत ही फेमस रोड है देखिए अनारस जज के बगल में है, तो इसका आज हम लोग कचौड़ी टेस्ट करेंगे वो रद्दी खाने के बाद में। बहुत ही यमी है ना, तो देखिए आंटी को पसंद आया तो अच्छा ही होगा। आंटी अगर उसको 10 में से ग्रेड देना हो तो कितना ग्रेड दीजिएगा? 9 तो दे गई, थोड़ा फुलाया नहीं है कचौड़ी को थोड़ा, देखिए थोड़ा सा मतलब कचौड़ी सही से फूला नहीं तो आंटी इसके लिए एक पॉइंट इसका काट नहीं है, तो कोई ना
तो चलिए इसका टेस्ट ऑलमोस्ट अच्छा ही है क्योंकि आंटी ने बोला है। अब हम लोग अनारस का डिश ट्राई करते हैं। ये देखिए गाइस, ये है अनारस, वन ऑफ द फेमस शॉप फॉर मड़वाड़ीज। मड़वाड़ी का हर डिश आपको यहाँ मिल जाएगा, हर एक चीज़। और आज हम यहाँ ट्राई करेंगे आपका छोटी पकौड़ी शॉट। ये देखिए क्या लंबा लाइन है, लॉकडाउन में भी इतना लंबा लाइन है। इनका बहुत ही फेमस डिश रहता है, दबेली वबेली सब फेमस है। तो चलिए देखते हैं। वैसे मैं बता दूँ ये सब टेक अवे हम लोग गाड़ी में ट्राई करेंगे। ये देखिए अनारस, तो चलिए किस करके बताता हूँ उसका फूड कैसा है। तो अंदर तुमको ये कचौड़ी क्या था टेस्ट लगा? वो अच्छा है। अच्छा है तो फिर लहसुन का चटनी कम है तो और अच्छा टेस्ट हो सकता था ना। हाँ। तो अगर इसको रेटिंग देना चाहोगे तो कितना रेट दोगे? 10 out of 8। तो 8 के लाइक था ये? हाँ। तो गाइस देखिए ये इसे देता है 8। तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों को। फाइनली गाइस, ब्रेकफास्ट अधूरा होता है चाय के बिना। और ये देखिए मैं चाय ले लिया हूँ सबवे के जस्ट बगल में, एक चाचा टी शॉप बोल के, अच्छा फेमस ही है। वैसे मैंने बोला कि मैं आपका शूट कर लूँ तो उन्होंने इजाज़त नहीं दिया, बोले नहीं भैया नहीं। वैसे आप देख सकते हैं मेरे बगल में जस्ट ये सामने देखिए 56 भोग के जस्ट सामने में चाचा टी शॉप। वैसे इसका कॉस्ट मेरे को पड़ा 35। तो चलिए ये रहा मेरा आज का फूड ब्लॉग टोटल। अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ ऑर्डरों में। सो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इतना वीडियो देखा तो ऑब्वियसली ज़बात आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को करना है कुछ काम। काम बस यही है गाइस, अगर आप फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए फैमिली का जल्द से जल्द हिस्सा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो बस अब मिलते हैं जल्द कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।